नमस्कार, मैं संगीता अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम इमली और गुड़ की मीठी चटनी बनाते हैं। इसे आप दही भल्लो के ऊपर, चाट के ऊपर डाल करके खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इमली की। इमली के गूदे को हमने 1 घंटा गर्म पानी में भिगोया और उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लिया है, तो इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। चीनी की, बारीक कुटे हुए गुड़ की, 20-25 किशमिश की, भुने और पिसे हुए जीरे की, पिसी हुई सौंफ की, नमक की, पिसी सौंठ की, पिसी मेथी दाने की, हींग की, काले नमक की, गरम मसाले की और बारीक पिसी हुई लाल मिर्च की। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें इमली का गूदा डालते हैं। और इसको मिलाते हैं। हमने 50 ग्राम इमली में 300 ग्राम पानी डाला है। अब हम इसको खोलने देते हैं। इमली खोलने लगी है। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। अब हम इसमें गुड़ डालते हैं, मेथी पाउडर डालते हैं, सौंठ का पाउडर डालते हैं, हींग डालते हैं, सौंफ डालेंगे, भुना जीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है। हमारी चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चटनी पक चुकी है। इसे आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। हमने चटनी को इतना पतला रखा है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। इमली और गुड़ की चटनी तैयार है। लीजिए, हमारी इमली और गुड़ की चटनी तैयार है। यह आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।